मैं देख रहा हूँ इस बात की तरफ लोगों का दिमाग जा रहा है निरंतर। अभी जैसे ये एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन फिलोसफीज निकला मोतीलाल बनारसी दास के यहाँ से, इसमें विदेशी लोग भी हैं, भारतीय लोग भी हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं। उसका ये 12वां वॉल्यूम योग पर आया और इस 12वें वॉल्यूम में बड़ा काम किया इन लोगों ने कि जो योग के क्लासिकल टेक्स्ट थे संस्कृत में थे उनमें 75 टेक्स्ट का अंग्रेजी में सारांश दिया गया, अनेक विद्वानों ने मिलकर किया। ये सब इस बात का सूचक है कि योग के प्रति कैसे लोगों में जागरूकता आ रही है, रुचि हो रही है। संस्कृत नहीं जानेगा तो भी कम से कम सारांश रूप में उन 75 ग्रंथों का जो सारांश है वो इस एक ग्रंथ से प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से इसके कई वॉल्यूम हैं, एक वॉल्यूम ये योग पर है, सांख्य पर भी इनका एक वॉल्यूम आ गया, ये चौथा वॉल्यूम सांख्य पर आ गया। इसी प्रकार से ये डीपी चट्टोपाध्याय साहब की संपादकता में हिस्ट्री ऑफ योग एक इतना बड़ा वॉल्यूम निकला, भिन्न भिन्न विद्वानों ने योग के संबंध में विस्तार से इतिहास की चर्चा की। ये सब इस बात का सूचक है कि योग के लिए बड़ा काम हो रहा है। आप लोग जो काम कर रहे हैं वो इस सब काम से हटकर है, ये तो लिखित रूप है। आप जो ऑडियो विजुअल बना रहे हैं वो उसका जीवंत रूप होगा। भारत संसार को क्या दे सकेगा, अगर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना हो तो योग है। भविष्य में कौन सी धारा मानव जाति को सबसे अधिक प्रभावित करेगी, इसका उत्तर ढूंढना हो तो योग है। जीवन की समस्याओं का समाधान कहाँ मिलेगा, योग में मिलेगा। शायद उन पुराने मजहबी ढांचों में न मिल पावे जिनका आधार अनुभव नहीं श्रद्धा है। रिलीजन का नाम ही अंग्रेजी में फेथ है, श्रद्धा। अब इस विज्ञान के युग और तर्क के युग में श्रद्धा कितनी दूर तक ले जावे हमें, ये संदिग्ध है। ये विषय श्रद्धा का नहीं है, प्रयोग का विषय है। प्रयोग करिए और परिणाम प्राप्त करिए। भारतीय परंपरा में तीन धाराएं मुख्य हैं साधना की, जैन, बौद्ध और वैदिक। जैन धारा का अपना एक अलग से योगदान है और वो योगदान ये है कि बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन नहीं है, शरीर भी है। संस्कार केवल मन में नहीं रहते हैं, शरीर में भी रहते। जिसका सीधा अर्थ ये है कि आदतों को शरीर भी पकड़ लेता है, और सारी ही आदतें बंधन है, जिसको कहते हैं सारा ही कर्म बंधन है, अच्छा हो बुरा हो। क्योंकि संस्कार संस्कार है, वो आदत है, और आदत मैकेनिकल होती है, उसमें उसके पीछे विवेक नहीं होता, विचार नहीं होता। तो ये जब बौद्ध दर्शन कह रहा था कि संस्कार मन में रहता है, तब जैनों ने एक ये अनुसंधान किया कि मन में तो रहता ही है, शरीर में भी रहता है। शरीर को भी कुछ आदतें पड़ जाती हैं, जैसे मैं झुककर बैठा हूँ, ये मेरी आदत में आ गया, खराब आदत है, लेकिन ये शरीर की आदत है। मैं ऐसे सीधा बैठ सकूं, ये अच्छी आदत है। ये आदत मेरे मन में थोड़ा ही रह रही है, ये मेरे शरीर में रह रही है। इसके लिए मुझे शारीरिक तप करना पड़ेगा, अर्थात 24 घंटे ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना है। थोड़े दिन तकलीफ होगी, वही तप है, क्योंकि पुरानी आदत टूटेगी, वही निर्जरा है, पुरानी आदत का टूटना। और
थोड़े दिनों के बाद रीढ़ की हड्डी सीधी करे हुए बैठा रहना मेरा अभ्यास हो जाएगा, यानी फिर उसमें मुझे तकलीफ होनी बंद हो जाएगी। तो शरीर के अंदर जो रासायनिक प्रक्रियाएं चल रही हैं भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कारों के कारण, योग की परिपूर्णता के लिए उन रासायनिक प्रक्रियाओं को बदलने के लिए शारीरिक तप भी जरूरी है। केवल ये कहना मेरा मन शुद्ध है तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, सारा अंतर पड़ता है। आप क्या खा रहे हैं इसका अंतर पड़ता है भोजन का। इसलिए जैन धर्म की साधना में आहार का संयम इतना लंबा चौड़ा उसका विस्तार है, क्या खाना क्या नहीं खाना, कब खाना, उपवास, सूनो दरी, रस परिसंख्यान, आज मैं मीठा नहीं खाऊंगा, आज मैं घी नहीं लूंगा, आज ये क्या मतलब, जबान को आदत पड़ी हुई है उसकी, उस आदत को तोड़ना है क्योंकि वो आदत आसक्ति बन गई है। तो अनासक्ति का अर्थ जैन धर्म में केवल इतना नहीं है कि मैं मेरे मन में आसक्ति नहीं है, इतना अर्थ नहीं है, मेरे शरीर में भी आसक्ति रहती है और उसको तोड़ने के लिए शारीरिक तप भी करना पड़ता है। ये जैन दर्शन ने, जैन परंपरा ने योग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बात कही जिसे पूरी भारतीय परंपरा ने फिर माने ही माना। उपवास हर परंपरा में है, शारीरिक तप हर परंपरा में है, सब में ये आया। जब हम ये कहते हैं कि क्योंकि मेरा मन निर्मल है इसलिए मैं करूं कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, तो ये शिथिलाचार का मूल है, फिर आदमी शिथिलाचार में पड़ जाता है। बौद्ध धर्म पड़ गया था शिथिलाचार में और बौद्ध धर्म के इस देश में पतन के कारणों में से एक कारण ये भी बना कि वो शिथिलाचार में पड़ गया। जैन धर्म के बचे रहने के बहुत सारे कारणों में से एक कारण ये भी बना कि इन्होंने शिथिलाचार पर यानी बाहरी आचार में असंयम पर सबसे अधिक नियंत्रण रखा। तो जैन साधु के लिए मन में एक ये धारणा रही है, बड़े तपस्वी होते हैं, बड़े त्यागी होते हैं, बड़ा सादा जीवन जीते हैं, श्रद्धा का भाव बना रहा उस कारण से। तो बहुत सारे कारण जो देते हैं, बौद्ध क्यों भाग गए, बहुत सारे हैं कारण उसमें, लेकिन ये भी एक कारण है उनके यहाँ जो शिथिलाचार है। राजाश्रय मिल गया उन्हें, तो भोग सामग्री मिल गई। जैनों को राजाश्रय कम मिला, लेकिन मिला भी तो जैन साधु के नियम इतने कठोर थे कि वो शिथिलाचार में जा नहीं पाया ज़्यादातर। कभी कभी गया भी, गया उतना उसने नुकसान भी उठाया। परंपरा का भी एक इतिहास है और वो इतिहास वेद से चालू होकर महात्मा गांधी तक आता है। उसके कई मोड़ हैं। पहला मोड़ उपनिषद है, जहां वेद के जीवन केंद्रित दर्शन से हटकर आत्म केंद्रित दर्शन हो गया। वैदिक ऋषि ग्रस्त था, शादी ब्याह करता था, गौवे पालता था, खेती करता था। उसने एक दर्शन दिया सक्रियता का दर्शन जीवन का। उपनिषद का ऋषि भी शादी करता था, बाल बच्चे उसके होते थे, लेकिन वैदिक ऋषि की तरह वो अभी इतना सक्रिय नहीं रह गया था कि वो आम आदमी से अलग ही ना हो। वैदिक ऋषि ऐसा लगता है कि वो आम आदमी के बीच में ही घुला मिला था। कुछ प्रतिभाशाली था, वेद की ऋचाएं बनाई, कवि था अच्छा, दृष्टि थी पैनी, लेकिन था आम जीवन का हिस्सा। उपनिषद का ऋषि थोड़ा हटा, लेकिन फिर भी आम जीवन से इतना नहीं हटा। उसके पास विद्यार्थी रहते थे, गौवे पालता था। ये मोड़ धीरे धीरे आते आते बुद्ध तक इस रूप में परिवर्तित हो गया कि जिसे सचमुच योग करना हो वो ग्रस्त नहीं होना चाहिए, सन्यासी ही असली ग्रस्त हो सकता है, योगी हो सकता है। बुद्ध ने, जैन ने ग्रस्त के लिए योग की
चरम सीमा तक पहुंचने का मार्ग बंद कर दिया। थोड़ा बहुत योग कर सकता है, लेकिन जो योग का असली उत्कर्ष है वहाँ तक वो नहीं पहुँच सकता। योग वाशिष्ठ ग्रंथ वैदिक परंपरा में ये बौद्ध और जैन परंपरा के ग्रंथों का ही विस्तार है। वैदिक परंपरा का सूत्र वहाँ के हैं। राम कह रहे हैं वशिष्ठ से कि वो दिन कब आएगा जब मैं जिनकी तरह से अपना जीवन व्यतीत करूँगा। यानी उन राम का आदर्श जिन है, जिन माने जैन, जैन बुद्ध का भी नाम जिन है, माने श्रमण परंपरा। लेकिन श्रमण परंपरा में जैन परंपरा वस्तुवादी थी, संसार को सत्य मानती थी। योग वाशिष्ठ ने वैराग्य प्रसंग को और भी अधिक उत्कर्ष तक ले जाने के चक्कर में वेदांत का सहारा लिया और संसार को मिथ्या मान लिया। अब इसमें फर्क थोड़ा सा ये पड़ गया कि संसार है तो सही, पर इसके प्रति आसक्ति नहीं रखनी है। योग वाशिष्ठ ने कहा किसके प्रति आसक्ति नहीं रखनी है, संसार है ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। इसलिए वैराग्य का और भी अधिक तीव्र प्रखर रूप योग वाशिष्ठ ने प्रतिपादित कर दिया, संसार है ही नहीं। इस आधार को लेकर ये संतों की परंपरा है, सन्यासियों की परंपरा है, ये कर्म योगियों की परंपरा नहीं। उसके विरोध में गीता कर्मयोग की परंपरा है, सन्यास की आवश्यकता नहीं है। ना कृष्ण सन्यासी है ना अर्जुन सन्यासी है, दोनों ग्रस्त है। तो योग वाशिष्ठ या जैन और बौद्ध परंपरा वैराग्य का या अनासक्ति का यह अर्थ मानते हैं कि अगर आप में वैराग्य हो गया है तो बाहर के पदार्थ भी छूटने चाहिए। आप में वैराग्य है और आप जो है अपने एयर कंडीशन कमरे में और बढ़िया सोफे पर बैठे हुए टीवी देख रहे हैं और कह रहे हैं मुझे तुझे वैराग्य है, ये सब हो रहा है, तो इससे सहमत नहीं हूँ। फिर बाहर का भी भोग छूट ही जाना चाहिए वैराग्य होने पर, उनकी ये शर्त है। कृष्ण कहते हैं ऐसी कुछ बात नहीं है, आप संसार में रहते हुए और संसार के सब पदार्थों को भोगते हुए भी अंदर से विरक्त हो सकते हैं। ये दोनों धाराएँ साथ साथ चली हैं। वर्तमान युग में इन धाराओं का प्रतिनिधित्व देखना हो तो महात्मा गांधी और आचार्य रजनीश के जीवन में देखने को मिल जाएगा। महात्मा गांधी उस श्रवण परंपरा के, उनके वस्त्रों को देखिए आप, एक ही धोती से सारा शरीर ढका पड़ा है बस, दूसरा कोई वस्त्र नहीं। जाट पंजम से मिलने गए, लोगों ने कहा महाराज यहाँ पर तो जरा ढंग से जाना पड़ता है कपड़े पहनकर। उन्होंने कहा भाई मैं तो इसी तरह जाऊँगा, मिलना हो तो मिल लो, ना मिलना हो तो ना मिल लो। एक तरफ ये बात रही, वर्तमान युग में भी दोनों धाराएं, और एक तरफ रजनीश का मामला, वो कौन सी उनकी जो वो थी अंगूठियां और उनकी जो घड़ी और उनकी जो कार, वो बड़े से बड़े अरबपति खरबपति की जो चीज़ हो वो सब उनके पास है, वो कह रहे मैं भी योगी हूँ। तो दोनों परंपराएं अपने को इन दो मनुष्यों के जीवन में, हमारे जीवन काल में भी देखने को मिल रही है।